नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से बीजेपी में भगदड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के एक के बाद एक विधायक और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने यूपी की 29 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीजेपी में अभी टिकट को लेकर मंथन चल रहा है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि पहले चरण के लिए बीजेपी की भी पहली लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। वहीं बीजेपी में इस्तीफों का जो दौर शुरू हुआ, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा और स्वामी प्रसाद मौर्य का घर बागी नेताओं का सेंटर बनता जा रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का आक्रामक रूप भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उसमें बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे और साल 2017 में जो आंकड़ा था, हम उन्हें वहां ले आएंगे। विभिन्न आयोगों निगमों के पदाधिकारीगण की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले, उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। मैं न्यायपालिका में पूर्ण आस्था रखता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक एक शरारत का, एक एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा, कि इनको छठी का दूध याद रहेगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा। 8 साल पुराना केस, मंत्रिमंडल पर से इस्तीफा देते ही दूसरे दिन अगर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है, तो मकसद क्या है? अपने आप जाहिर है। इसलिए एक नहीं, दर्जनों केस इस प्रकार से भी लगेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल कमजोर नहीं होगा, बल्कि जितना ये छेड़ेंगे, हम उतनी ही तेजी के साथ इन पर हमलावर होकर के नष्टनाबूद करेंगे। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि बीजेपी से इस्तीफा देने वाले ज्यादातर नेता वही हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए हवा बनाई थी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान हैं। ये तीनों पहले मायावती के साथ थे, लेकिन 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीते भी। तो देखना अब ये होगा कि इस बार ये क्या कमाल करते हैं और समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।